Hello student, so this is the I think third last or second last topic of your linear transformation, composite and inverse transformation. Okay, so right now here definition देखो linear transformation के अंदर ये V होता है domain. देखो V is called as a domain. Wait, let me highlight it. V is called as a domain, W is called as codomain and T of V नथिंग बट रेंज. ठीक है, ये ऐसा डेफिनेशन आपके टेक्सटबुक में दी गई है, तो आपको देखना भी नहीं है उसको, बस ध्यान में रखना है. ये आपको पता होता ना, ये डोमेन है, ये को डोमेन है, इसकी रेंज होती है. नाउ वन टू वन फंक्शन क्या होता है, पहली बात वन टू वन फंक्शन, वन टू वन फंक्शन क्या होता है, इट्स कॉल्ड इंडक्टिव फंक्शन. ठीक है, देखो वन टू वन फंक्शन की एक डेफिनेशन है, अगर ए इज इक्वल टू बी है तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. ये आपने प्रूव किया है इलेवन ट्वेल्थ में. ठीक है, एंड एग्जैक्टली इसकी अलग डेफिनेशन ये होती है, अगर ए इज नॉट इक्वल टू बी देन एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी. अब कैसे है? हम है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के दुनिया में, तो वहाँ पे यू और वी की बहुत चलती है, तो यहाँ पे यू इज नॉट इक्वल टू वी देन एफ ऑफ यू इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी. हाँ, यहाँ पे एक्स की भी नहीं चलती है, यहाँ पे टी होता है भाई साहब, लाइक दिस. ठीक है, सो ये, लेकिन मेरी एक बात मानो, हमेशा हम यही यूज करेंगे, तो मैं टेक्सटबुक वालों को हम सीधा कहते तुम्हें जो करना है कर लो. ठीक है, नाउ व्हाट आई मीन बाय ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, परजेक्टिव. परजेक्टिव होता है ना, हाँ जी परजेक्टिव होता है. तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन की सबसे सिंपल डेफिनेशन होती है कि अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन रहे तो उसे कहते हैं ऑन टू फंक्शन. ठीक है, ध्यान में रखना. हाँ, लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए तो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन देयर इज प्री इमेजिंग डोमेन दैट दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज ऑन टू फंक्शन, ऐसा टाइप से बोला जाता है. ठीक है, तो ये इतना ध्यान नहीं देना है हमें, तो बस रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन तब भी काम चल जाए. अब यहाँ पे एक नोट है, अगर कोई फंक्शन वन वन रहा, ऑन टू रहा, तो उसे हम कहते हैं वन वन ऑन टू, उसी का दूसरा नाम क्या है, बाइसेक्टिव. वैसे ही कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वन वन रहा, ऑन टू रहा, तो उसे कहते हैं बाइसेक्टिव. ठीक है, अगर बाइसेक्टिव का ही दूसरा नाम है आइसोमॉर्फिज्म. हाँ, अब व्हाट यू मीन द आइसोमॉर्फिज्म, भाई ये क्या चीज है, ये क्या बवाल है आइसोमॉर्फिज्म. देखो, आपने कभी भी आपको कोई बड़ी चीज बनानी है तो आप क्या करते हो, उसका एक मॉडल दायर करते हो कि भाई ये ऐसा ऐसा है, अगर ये ऐसा ऐसा ठीक रहा तो हम उसके ऊपर काम करेंगे. वैसे ही ना, देखो कभी घर खरीदने गए या कभी सैंपल पैक लिया है आपने, देखा है कभी, देखो हर एक बिल्डर के पास है ना, उसके उसका जो बिल्डिंग वो बेचने वाला है, मतलब वो फ्लैट, उसका एक छोटा मॉडल होता है. यहाँ जी सर, जब मैं मिलने जाऊँगा तो मुझे बताएंगे, हाँ जी सर यहाँ पे बालकनी है, यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे स्टेयर्स है, यहाँ पे लिफ्ट है, यहाँ पे डॉगे रहेंगे, लाइक दिस वट एवर. ठीक है, तो आप जब बड़ी बिल्डिंग देखोगे वही का भी वही होता है जो छोटी में होता है. ठीक है, सो इसी का रिफ्लेक्शन, बड़ा वाला रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो जो बिल्डिंग है जिसके अंदर हम फ्लैट लेने वाले हैं, ठीक है, उसी का छोटा सा मॉडल यहाँ पे होता है. ओके, तो इसी को कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म. और इवन बाय आइसोमॉर्फिज्म, छोटा और ये उसका बड़ा भाई, मतलब सैंपल. ठीक है, कभी मिठाई की दुकान पे गए तो हम क्या बोलते हैं, ओ इतनी सारी मिठाई, वाह चलो यार एक बार सैंपल दे दो. हाँ, तो बाकी का पता लग जाता है ना कि बाकी कैसी है. हाँ, नहीं तो घर में आपकी माँ चावल बनाती है तो पूरा चावल पकाया नहीं, कैसे देखती है, पूरा निकालती है क्या भाई, चलो इसको चेक करें, इसको चेक करें, नहीं करती. जस्ट एक स्पून, मुझे नहीं पता, मतलब मैं कभी किचन में जाता नहीं, तो स्पून भर लेती होगी भाई, उसको दबा के देखती होगी, हाँ भाई ये पक गया, मतलब सारा पक गया, तो उसे कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म. आ रही बात समझ में, कमेंट में लिखना कि आपके जिंदगी में ऐसे कभी हुआ है रियल लाइफ सिचुएशन आइसोमॉर्फिज्म. हाँ, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. एक थ्योरम है, अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इंजेक्टिव है इफ एंड ओनली कर्नल ऑफ टी इज जीरो, ये वाला थ्योरम इंपॉर्टेंट है फॉर 4 मार्क्स. इसका प्रूफ मैं नहीं दे रहा हूँ, ये कुछ करना है, सिंपल है, रट के जाओ, चीट लेके जाओ, आई डोंट केयर, लेकिन इंपॉर्टेंट है. अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इंजेक्टिव है तो उसका कर्नल ऑफ टी जीरो होता है. दूसरा थ्योरम, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैज इनवर्स, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इनवर्स रहेगा कब, जब वो बाइजेक्टिव होगा. देखो कॉमन सेंस की बात है, देर इज अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी हैव इनवर्स, एफ इनवर्स इज इक्वल टू बी टू ए. ऐसे कब पॉसिबल होता है, जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है. और जो फंक्शन, मतलब देखो व्हाट डू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट फंक्शन ना, मैंने पहले लेक्चर में बोला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक तो मैपिंग होता है ना, मतलब फंक्शन होता है, ब्रैकेट में लिखा था छोटे से नीचे, वीडियो जाके देख लो, झूठ लग रहा है तो.
तो फंक्शन इज नथिंग बट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो फंक्शन की डेफिनेशन होगी वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की होगी, ठीक है? तो फंक्शन इनवर्स कब होता है? जब वो बाइजेक्टिव होता है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स कब होगा? जब वो बाइजेक्टिव होता है। इस चीज से आपने क्या सीखा? देखो जितना भी आपने मैथ पढ़ा है ना वो आगे जाके वैसे ही पढ़ना है, बस उसको अलग अलग नाम दिए जाएंगे, ठीक है? जैसे पनीर रॉ होता है, उसका होता है शाही पनीर, पनीर मसाला, पनीर बटर मसाला, कढ़ाई पनीर। भाई उसका पनीर तो चेंज होता है, दूध से क्या रबड़ डाल के अब करा के उसके अंदर शाही पनीर बोला तो ऐसा नहीं होता ना। हाँ पनीर तो दूध से ही बनता है ना। तो बात यही है कि अपना बेस फिक्स करो, बाद में आगे बढ़ो। एक बार बेसिक आ जाए ना तो आगे वाला मैथ कुछ नहीं लगता। हार्ड हार्ड वाले तो हम भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.3, ये स्टार्ट करने से पहले मुझे बताओ कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। छोड़ो बाकी सब छोड़ो, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? देखो आपने ऐसे लिखा होगा ना कभी, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, ऐसे लिखा होगा भाई। ये होता क्या है? देखो सिंपल बता रहे हो, तब नहीं समझा तो आप समझ जाओगे। अगर मैंने एफ ऑफ एक्स को लिखा है साइन एक्स, जी ऑफ एक्स को लिखा है 3x, अगर मैंने एफ ऑफ जी लिख दिया, हाँ अब मुझे एक बात बताओ, इसको मैंने कैसे पढ़ा? एफ ऑफ एक्स कैसे पढ़ा? एफ ऑफ एक्स ऐसे पढ़ा ना। इसको कैसे पढ़ा मैंने? जी ऑफ, ओ आई एम सॉरी, एफ ऑफ जी। सारी बात समझ लो। हाँ मतलब आपको सिंपली क्या करना है, एफ ऑफ जी निकालना है तो ऐसे लिखना होगा ना। हाँ मतलब जहां पे उसके अंदर एक्स है उसको जी से रिप्लेस करना है, तो क्या हो जाएगा? साइन जी। लेकिन जी की वैल्यू क्या है? 3x, तो ये क्या हो जाएगा? साइन 3x। अगर मैंने इसका एग्जैक्टली उल्टा किया, जी ऑफ एफ मतलब क्या? जो वहां पे है वहां पे 3f लिख दूंगा, ठीक है? लेकिन एफ क्या है? साइन एक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 sin x। तो यही सारी चीजें हमें यहाँ पे करनी है, ठीक है? कंपोजिशन नाउ फाइंड द डोमेन एंड को डोमेन ऑफ टी टू ऑफ टी वन, फर्दर फाइंड टी टू ऑफ टी वन एक्स कॉमा वन, ठीक है? एग्जाम में टी वन ऑफ टी टू भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। देखो टी वन ऑफ एक्स वाई ये दिया है, टी टू ऑफ एक्स वाई ये दिया है। सबसे पहले आपको उसका फंक्शन बनाना होगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, चल क्यों नहीं रहा ये? अच्छा यहाँ पे कितने एलिमेंट है? दो, तो यहाँ पे आएगा आर टू। यहाँ पे कितने हैं? दो, तो ये आर टू, तो आर टू जा रहा है। यहाँ पे कितने एलिमेंट है? दो, सो टी टू आर टू। यहाँ पे कितने एलिमेंट है? दो, मतलब कॉमा सेपरेट कितने हो रहे? दो हो रहे ना, तो ये आर टू। अब यहाँ पे डोमेन क्या होता है? ये पहले वाला। को डोमेन क्या होता है? ये वाला, मतलब हाँ। तो जब भी आपको कंपोजिट फंक्शन का डोमेन को डोमेन फाइंड कराना है तो आपको बस ऐसे जाना क्रॉस। अरे बात समझ, देखो मैंने यहाँ पे भी ऐसे किया आर टू आर टू, सो दैट्स वाई डोमेन आ गया आर टू, को डोमेन आ गया आर टू, बस खत्म, ठीक है ना? अब हमें फाइंड करना है टी टू ऑफ टी वन। मैंने पहले ही बोला टी टू ऑफ टी वन मतलब क्या? टी टू ऑफ टी वन मतलब क्या? टी टू ऑफ टी वन। तो टी वन की वैल्यू क्या दी है उन्होंने? उन्होंने दिया है टी वन की वैल्यू 2x,3y, तो टी टू 3x, 2x 3y, तो ये हो गया आपका एक, ये हो जाएगा वाई, ऐसे ना, ये हो जाएगा आपका एक्स, ये हो जाएगा वाई। तो आपको टी टू के फंक्शन में डालना है, यहाँ पे एक्स की जगह पे ये डाल दो 2x, वाई की जगह पे ये डाल दो 3y, तो आपको उसको ऐसे मिलेगा। इतना सिंपल है ये बात है, ठीक है? दो चार एग्जांपल करेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। नाउ यहाँ पे टी वन के अंदर कितने एलिमेंट है? तीन, तो टी वन टू हम आर थ्री, इसके अंदर कितने? एक दो तीन, आर थ्री टू आर थ्री, इसके अंदर तीन, टी टू इज आर थ्री, इसके अंदर एक दो आर टू, तो यहाँ पे क्रॉस में, तो डोमेन क्या हो गया? आर थ्री, को डोमेन क्या हो गया? आर टू, बात खत्म। क्रॉस में जाओ ना भाई, हो गया? अब टी टू ऑफ टी वन, तो टी वन की वैल्यू क्या देके रखी है? ये वाली, एक सेकेंड, लेट मी राइट इट, बहुत गंदी आ रही है। अच्छा ये वाले भी है तो डाल दो उसके अंदर, उससे गलती है, डाल दिया। अब ये हो जाएगा आपका एक्स, ये हो जाएगा आपका वाई, ये हो जाएगा आपका जेड। तो बस आपको एक्स की जगह पे वो वाला डालना है, वाई की जगह पे जेड की जगह पे, तो आपको मिलेगा ये
0.2x लास्ट का टर्म। और आपका आंसर सही है गलत है कैसे फाइंड, कैसे पता चलेगा? आर टू को डोमेन है ना, तो यहाँ पे दो ही आने चाहिए। आ रही बात समझ में? तो ये होगा आगे, फाइंड द डोमेन एंड को डोमेन ऑफ दिस टी थ्री ऑफ टी टू ऑफ टी वन, बाप रे, एंड देन फाइंड दिस दिस। अब यहाँ पे देखो टी वन ऑफ एक्स कॉमा वन, यहाँ पे कितने एलिमेंट है? दो, तो टी वन का क्या हो जाएगा सिंपली आर टू, यहाँ पे कितने? एक, ठीक है कॉमा है क्या? ये तो अच्छे का हाँ कॉमा है, वो कॉमा है हाँ, यहाँ पे आर टू, ये एक दो तीन, आई एम सॉरी कभी कभी मैं कुछ अलग ही लिख देता हूँ, ये दिस इज कॉमा, हाँ यहाँ पे कितने एलिमेंट है? तीन, तो टी टू इज नथिंग बट आर थ्री, यहाँ पे एक दो तीन आर थ्री, यहाँ पे तीन आर थ्री, यहाँ पे एक दो दो ही है आर टू, क्या हो जाएगा आर टू टू आर टू जाएगा, मतलब ये फंक्शन टी थ्री टी टू टी वन कैसे जाएगा आर थ्री टू, सॉरी आर टू टू आर टू डायरेक्ट क्रॉस। आगे बढ़ो, देखो डोमेन आ गया आर टू, ये हो गया आर टू, ये सिलेक्ट लार्जर एरिया की जगह पे लिख दिया मैंने, हाँ आ रही बात से लिख लाइक दिस, ये काम सिंपल होता है, ये तुझे कोई भी कर लेगा, लेकिन बड़ी बात तो आ गई है टी थ्री टी टू टी वन। अब एक एक को पकड़ो, एक एक को पकड़ो, पहले टी थ्री टी टू को बाहर रखो, टी वन को अंदर डालो, टी वन का आंसर क्या देख रखा है, मतलब जो फंक्शनल वैल्यू है। अब आप बोलोगे कौन सी? ये वाली, यहाँ पे लिखो, तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, सॉरी ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, तो एक्स वाई जेड की जगह पे आपको वो डालना है टी टू के अंदर, हाँ टी टू के अंदर, जब टी टू के अंदर डालोगे तो आपको ये मिलेगा, बाद में वही आंसर टी थ्री के अंदर डालना तो आपको ये मिलेगा, करके देखो जमेगा, आ जाएगा, नहीं आया कमेंट में बताओ, मैं करवा के दूंगा पर्सनली। नाउ दिस इज अगेन सेम, नाउ दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन पी एन टू पी एन, तो यहाँ पे डोमेन भी वही रहेगा, को डोमेन भी वही रहेगा, वहां पे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है पी एन टू पी एन। ओके नाउ यहाँ पे फंक्शन देके रखा है और बोला है कि चेक करो ये टी वन टी टू टी टू ऑफ टी वन, ये मैंने सॉल्व किया है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आपको ये खुद से सॉल्व करना है, इसको देख के, ठीक है दिस विल द मॉडल आंसर फॉर यू, आपको देखना है कि ये दोनों क्या होता है। ओके तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, जय हिंद।